शंभवे गुरुवे नमः, शंभवे गुरुवे नमः, शंभवे गुरुवे नमः। सभी गुरु बहनों और गुरु भाइयों के चरणों में मेरा प्रणाम। ब्रह्मांड में व्याप्त समस्त शक्तियों को मेरा प्रणाम। माँ भवानी और हम सब के गुरु भगवान शिव को मेरा प्रणाम। प्रस्तुत है पुस्तक आओ चले शिव की ओर, पृष्ठ संख्या 203। शिव गुरु की चर्चा में गुरु बहनों की संख्या अधिक रहती है जो समीपवर्ती क्षेत्रों से एकत्रित होती हैं। सुरक्षा एवं उनके घर की व्यवस्था कायम रखने हेतु विगत कई वर्षों से रात्रि में शिव चर्चा करने की मनाही की गई है और सभी कार्यक्रम दिवाकाल में एक दिवसीय ही समाप्त करने का अनुरोध किया जाता रहा है। कुछ लोग इसका अनुपालन करना अपनी वरीयता का अपमान समझते हैं। ऐसे लोग एक संगठन अथवा टोली का भी निर्माण कर लेते हैं जो क्षेत्रों में घूम घूम कर रात्रिकालीन 2-3 दिवसीय चर्चा का आयोजन करते हैं। भोजन तथा अर्थ की व्यवस्था क्षेत्रों से हो ही जाती है। इन्हें कार्यक्रम में सम्मिलित गुरु बहनों एवं गुरु भाइयों का कोई ख्याल नहीं रहता कि एकत्रित लोगों के रात्रि में देर तक ठहराव से उनके घरों में कितनी अव्यवस्था होती है और यह कार्य अमर्यादित भी है। कई वर्षों से मनाही की जा रही है किंतु इनके कानों पर जू नहीं तक नहीं रेंगती। शिव गुरु की परिचर्चाओं, विभिन्न आयोजनों एवं महोत्सवों के प्रभाव के समक्ष महादेव महत्वहीन हो गए हैं। कई क्षेत्रों में शिव चर्चा के नाम पर अपने को शिव का शिष्य कहने वाले लोग शिव चर्चा के मंच पर सामान्य लोगों को आकर्षित करने के निमित्त शिव चर्चा का त्याग कर मंच पर भजन और नृत्य का भव्य आयोजन करते हैं। यह शिव की चर्चा का आयोजन नहीं अपितु लोक लुभावन कार्य है जिसमें सम्मान और अर्थ के आगमन का विचार सन्निहित रहता है। कई स्थानों पर किसी एक विशेष व्यक्ति का प्रभुत्व चलता है और मंच पर वे तरह तरह की नाटकीय लीलाएं करते हैं। यह भगवान शिव के प्रति मोहब्बत का बनावटी प्रदर्शन है और तिजारत की निंदनीय चेष्टा। मैं बंद कानों से भी सुनता रहता हूँ और मन विषाद से भर जाता है। मैं नियंत्रण का असफल प्रयास करता हूँ। ऐसे लोग मेरा परामर्श मानते नहीं। वैसे तो महानियंत्रक महेश्वर हैं, शिव तो नियंत्रकों के नियंत्रक हैं। संभवतः भविष्य में इक्का दुक्का शिव शिष्य एवं शिष्याओं द्वारा क्षेत्र विशेष में स्वयं को स्वयंभू या क्षेत्राधिकारी अथवा उत्तराधिकारी की भूमिका में प्रस्तुत किया जाए। ऐसे लोग प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष ऐसी भूमिका का प्रदर्शन कर सकते हैं। प्रथमतः यह स्मरण रखना होगा कि आध्यात्मिक ऊर्जा का जागतिक लालसाओं की पूर्ति के निमित्त प्रयोग सर्वथा निषिद्ध है। यदि आध्यात्मिक ऊर्जा का अवतरण हो तब भी शिव शिष्यता का मार्ग कंटकाच्छादित होगा। ऐसे स्वयंभू शिव शिष्य एवं शिष्याओं से शिव शिष्य एवं शिष्याओं को सदैव सतर्क एवं सजग रहने का परामर्श ही समीचीन है। जो शिव शिष्यता से ऐसे मार्ग पर भटक रहे हों उन्हें समझाने की आवश्यकता पड़ेगी और नहीं तो उन्हें शिव गुरु के आश्रय हेतु छोड़ देना होगा। शिव शिष्यता के शिव ही मार्गदर्शक एवं गुरु हैं। मेरी अंतरात्मा कहती है कि ऐसे शिव शिष्य और शिष्याओं को गुरु भाई बहन कहकर संबोधित करना अशोभनीय है। ऐसे कृत्य मात्र उस व्यक्ति का नैतिक अवमूल्यन नहीं करते अपितु समाज, देश और भगवान शिव की मोहक छवि को भी नष्ट करते हैं। शिव गुरु की शिष्यता से जीवन सुंदर होता है परंतु ऐसे लोग स्वयं और समूह के आध्यात्मिक पतन का कारण बनते जा रहे हैं। शिव शिष्यता की पावन गंगा अपने अविच्छिन्न प्रवाह में है। पवित्रता को अपवित्रता स्पर्श कर सकती है किंतु पावन सर्वदा पावन ही रहता है। शिव शिष्यता का आविर्भाव इस लोक में हुआ है तो स्थान, पात्र और काल से प्रभावित होगा ही। मात्र शिव गुरु की दया इस प्रवाह को निर्मल बनाए रख सकती है। मैं व्यथित हूँ। अत्यंत मनोयोग से मानवीय चेतना के अभ्युदय के निमित्त लोगों को शिव शिष्य बनने का अब तक विनम्र अनुरोध करता रहा हूँ। इस कार्य में मेरी कोई अन्य चाहत न थी न है। मैं मोक्षार्थी नहीं हूँ और न जगतार्थी। केवल एक कामना थी कि महादेव जैसा महत्तम गुरु मानव सृष्टि का गुरु हो जाए। आखिर तब कितनी सुंदर होगी ये दुनिया। इस कार्य को
प्रत्यक्षतः मैंने प्रारंभ किया। मेरे पूर्व जगत के वितान पर सबके लिए शिव की शिष्यता आई हो इसका दृष्टांत नहीं मिलता है। प्रारंभ करने का भ्रम मेरा है, अतः हो रहे भटकाव की अत्यधिक पीड़ा भी मुझे ही है। मैं शिव का शिष्य हरिंद्रानंद भगवान शिव की शिष्यता में चलते चलते अनेक संकीर्णताओं गैर आध्यात्मिक क्रियाओं में भटक गए कदमों के धारक व्यक्तियों से अनुनय करता हूँ कि शिव शिष्यता की पावन जल धारा को अपने निजी स्वार्थों से अपवित्र नहीं करें। उन्हें समझना चाहिए कि लाख कुप प्रयासों के उपरांत भी पावन अपवित्र नहीं होता है। सामान्यतः व्यक्ति स्वार्थ जनित पगडंडियों पर चलने को विवश है, किंतु वे महेश्वर शिव गुरु के रूप में हमारे दुखों को नष्ट करते हैं और उनकी शिष्यता का राजमार्ग इन्हीं पगडंडियों से होकर गुजरता है। हमें शिव के राजमार्ग पर चलना चाहिए। फैली हुई स्वार्थ की अनेकों पगडंडियां राजमार्ग से दूर ले जाती हैं। हमें चिंतन करना होगा कि शिव को गुरु मानते समय हमारा मन कितना निश्चल था और 5-10 वर्ष क्या बीते शिव की शिष्यता में मोहब्बत छोड़कर तिजारत होने लगी। प्रारंभ हुआ था शिव के प्रति प्यार से और समय जैसे जैसे गुजरा शिव की शिष्यता में ही व्यापार आ गया। मैं पद प्रशालन करूंगा उन सभी का जो शिव शिष्यता के राजमार्ग के पथिक हैं अथवा होंगे। सभी से एतद विनीत प्रार्थना है। आज के लिए इतना ही। आप सभी गुरु बहनों और गुरु भाइयों के चरण में मेरा प्रणाम। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सबका बहुत आभार। जागा जागा महादेव ओ जगदा महादेव, जागा जागा महादेव ओ जगदा महादेव, आदि गुरु महादेव जगत गुरु महादेव, गुरु महादेव जगत गुरु महादेव, सब देवों के देव मेरे गुरु महादेव, सब देवों के देव मेरे गुरु महादेव, जागा जागा महादेव ओ जगदा महादेव, जागा जागा महादेव ओ जगदा महादेव, शंभवे गुरुवे नमः, शंभवे गुरुवे नमः, शंभवे गुरुवे शिव गुरु के बनासीस हो भैया, शिव गुरु के बनासीस, शिव गुरु के बनासीस हो भैया, शिव गुरु के बनासीस, सब गुरु धो खा दे दे तो, सब गुरु धो खा दे दे तो, शिव देता आशीष हो भैया, शिव देता आशीष, शिव गुरु के बनासीस हो भैया, शिव गुरु के बनासीस।